हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिलीत। आप देख रहे हैं जिलीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको एक बड़ा जानकारी देने के लिए। ख़ास तौर से ये जानकारी उन लोगों के लिए बड़ा है जो इस वक्त सफ़र करने वाले हैं एक दो दिन में, या तो फिर सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ आपको पता होगा कि 1 जुलाई यानी कि आज से ट्रेन के टाइम टेबल जो है चेंज हो चुके हैं। अगर आपको सिर्फ लगता है कि ट्रेन के टाइम टेबल चेंज हो गए हैं तो आप थोड़ा बहुत सही हो, क्योंकि सिर्फ टाइम टेबल नहीं, ट्रेनों के नाम, ट्रेनों के नंबर, ट्रेनों के रूट, यहाँ तक कि ट्रेनों के स्पीड भी कुछ बदल गए हैं। मैं इस वीडियो में उन तमाम ट्रेनों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, अगर बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप जो है बोर हो जाओगे। तो इसलिए आपको एक जरिया बताता हूँ जिससे कि आपको आपका सफ़र करने में मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, इंटरनेट पर कई सारे वेबसाइट है जिनमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रेन जो है नाम चेंज हुआ है, किसका रूट बदला है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको कहूँगा उन वेबसाइट पर भी आपको जाना नहीं है, क्योंकि नया नया है तो भाई कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि हर कुछ जो भी कुछ आपको मिलेगा वो इंसानों के जरिए से अपडेट की हुई चीज़ें ही मिलेगी। तो मैं कहूँगा, जबकि रिसेंटली अभी जो अभी कुछ हो रहा है तो इसका आप सिर्फ और सिर्फ रेलवे पर ही अपना ट्रस्ट करें, मतलब ट्रस्ट करें। क्या होता है ना दोस्तों, आपको कॉल करना होगा रेलवे के ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद आपको ये जो कॉल है थोड़ा देर से लगेगा, क्योंकि भाई इंडियन रेल जो है, मतलब हम इंडियंस की तो ये आदत ही है कि जल्दी उठाओ फ़ोन तो इज्जत नहीं बनती। मतलब थोड़ा सा इमेज बनाने के लिए थोड़ा देर से ये लोग रिसीव करेंगे, नहीं वैसी बात नहीं है। तो ये जो फ़ोन जब आपका रिसीव होगा तो आपको अपने ट्रेन का नंबर देना है, नंबर देके पूछना है कि सर ये जो ट्रेन है इसका टाइम टेबल वगैरह कुछ चेंज हुआ है, रूट कुछ चेंज हुआ है। अगर हाँ तो वो लोग बता देंगे, अगर ना तो वो लोग मतलब आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं यहाँ से भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि मेरी बात अक्सर IRCTC कस्टमर केयर से होते रहती है। तो वहाँ से कई बार, मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार जो है गलत इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है। क्योंकि भाई हम इंसान है, मतलब ऐसा मुझे लगता है, शायद ये लोग भी वैसे सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत कम चांसेस है कि इस तरह का हो, क्योंकि दोस्तों ये जो लोग आपको बताएंगे ये अपना रटा रटाया चीज़ बताते हैं। तो जबकि नया मतलब टाइम टेबल आ गया तो आपका रटा हुआ वो काम नहीं देगा। तो हो सकता है ये लोग आपको कुछ गलत बोल दें। आपने अक्सर देखा होगा इंक्वायरी में जब आप कुछ पूछने जाते हो तो ये लोग बिना देखे आँख बंद किए बोल देते हैं ये वो, क्योंकि इनका आदत हो चुका है, इनको सब कुछ याद है। तो वैसा ही कुछ आपको वो न बोल दे, क्योंकि ये मतलब यहाँ मैंने एक चीज़ देखा है, घर का बीबी का झगड़ा ये लोग पैसेंजर्स पर भी कभी कभी निकाल देते हैं, इसलिए ज़रा बच के। अरे मतलब आपको आपको अपने तरीके से मैं बता देता हूँ कि आपको अपने तरीके से किस तरह से आप सेफली जर्नी अपना कर पाएंगे। तो यहाँ जब आप बात कर लेंगे, बात करने के बाद अब आपको करना क्या है, NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, ये एक एप्लीकेशन है रेलवे का अपना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको लाइव स्टेटस अपना देख लेना है, लेकिन ये लाइव स्टेटस सिर्फ उन लोगों के लिए काम आएगा जो कि ट्रेन के बीच में कहीं चढ़ने वाले हैं। बीच में मतलब बीच में, ट्रेन के बीचों बीच नहीं, जैसे कि गाड़ी एक जगह से खुल रही है, गाड़ी खुल चुकी है, उसके बाद जो लोग सफ़र करेंगे तो वो देख सकते हैं कि गाड़ी जो है कब कहाँ कितने बजे खुल चुकी है, अब कहाँ आने वाली है। अब गाड़ी खुलने वाली है तो वो रनिंग स्टेटस आप कैसे देख पाओगे, क्योंकि आपको तो कुछ देर पहले से स्टेशन पहुँचना पड़ता है। तो ये जानकारी आपको पता लगाना होगा अपने तरीके से। और जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनको बताना चाहूँगा भाई आपको बस यही मदद लेनी होगी, कस्टमर केयर में 2 से 3 बार कॉल करो, पता चल जाएगा सही है या गलत है। अगर कुछ गलत लगता है तो उस हिसाब से आप अपना सफ़र को देखेंगे। उसके बाद आप वेबसाइट वगैरह में भी चेक कर सकते हो, ये सब मिलाने के बाद लास्ट में वेबसाइट में आप जाएं। और हाँ, अगले किसी वीडियो में मैं आपको वो लिस्ट भी दे दूंगा जिससे कि आप देख पाएंगे कि आपका जो ट्रेन टाइम टेबल है वो बदला है या फिर नहीं। हाँ, और एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग पहले से ट्रेन टिकट बुक कर चुके हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि ट्रेन टिकट में आपका जो टाइम है वो प्रिंट अलग हुआ है। अगर आपका ट्रेन का टाइम बदल गया है तो नए टाइम के हिसाब से आपको सफ़र करना पड़ेगा, बस यही बात है, और फेयर वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर दोस्तों, ये बदलाव पैसेंजर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। अब देखते हैं इस बदलाव से लोगों को फ़ायदा होता है या फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है इस बदलाव के बारे में वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, एक और बात आपसे मैं कहना चाहूँगा, जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं, आप अपना स्टेट
या राज्य, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ से लोग मुझे देख रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर नीचे मिल जाएगा, आप उससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।